निश्चित भाव में ये दुखदायक चित्र सामना को आसुची एवं रोमांच रंजन विश्वाल जी की विधायक रही माधव दरा जी की विधायक रही पोडियम उपरकू चढ़ुंट गृह को बाध्य बाचस्पति मुलतवी घोषणा कर स्थिति विधानसभा देखा मिली आज ए संपर्क प्रशांत महांति राजनीति समीक्षक वरिष्ठ सांबादिक आम सहित अच्छा फोन लाइन सुक्त प्रशांत महांति ये चित्र आमपाई के नुआ नुहे किंतु स्थिति खूब दुर्भाग्यजनक देखो निश्चित भाव में ये नुआकर सरकार को आ मोहन चरण माझी सरकार ये गोटे प्रथम टेस्ट बोली कही पार कारण राज्य में मद मृत्यु घटना निश्चित भाव गोटे दुखदायक घटना और संवेदनशील घटना यहाँ सरकार उत्तर दायित्व उपर प्रश्न चिन्ह आसूरी आज विधानसभा जो दृश्य देखिले तो विधानसभा द्वितीयार्धर ये हूँ आज चार दिन है सेकेंड पार्ट रारि दिन धरी गृह अचल रही आज जो गत काली बीजेडी आडजमेंट मोशन आनी आज कांग्रेस आडजमेंट मोशन आनी कि गोटे कथा आम देखुचे विरोधी दल जीत अटल अच्छा हटगोड़ कर प्रतिभा जारी रखी अपरपक्ष सरकार आक्शन मोड्रे अच्छा सरकार बाबद चुप रे बसी ना से आरटीसी तदंत निर्देश देते मंत्री अंचल गस्त कर गिरफ्त कर संक्रांत जो अधिकारी मैंने अच्छे आक्शन दिखाई देखिए दुई जन बर्तन आक्शन सस्पेंड कराई तेणु ये घटन सरकार आक्शन मोड्रे अच्छा सरकार क्लीयर कट गोटे चेतावनी वर्षक भितर सब बंद है चोरा मद कारबार बंद कर सरकार गोटे आक्शन मोड को आसो कह विरोधी दल देखा निश्चित भाव देखो विरोधी दल ए प्रसंग को केवे भी करछड़ा करेंगे ना जो गोटे संवेदनशील घटना घटू अतीत जो मैंने विरोधी दल बीजेपी जो विरोधी दल थी से प्रसंग करते घटना घटे आज बीजेडी प्रसंग करवा डेवलपमेंट आम देखुचे बीजेडी और कांग्रेस परस्पर हाथ मिले सरकार को घेरबारे ये गोटे विधानसभा नुआ डेवलपमेंट फ्लोर मैनेजमेंट बर्तन हवाक आरंभ कर कथा हूँ जदि आडजमेंट मोशन आलोचनार सुजोग अवकाश ता तेल विरोधी दल पाखे गोटे सुजोग था पॉइंट को प्रभावी ढंग से उपस्थापन करेंगे से कौन कह चाहते सरकार कौन आशा करुँचला सरकार को उत्तर जी से असंतोष प्रकाश करते सरकार जो उत्तर रखते हैं संतुष्ट आचरण बिल्कुल शोभनीय नुहे गणतंत्र विधानसभा जो आचरण आज देखा पाइले देखो ये विषय में बारंबार बाचस्पति सम्मेलन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो बारंबार ये विषय आलोचना होती जातीय स्तर में उद्वेग प्रकाश कर पार्लियामेंट हो विधानसभा हो ता स्वाभाविक भाव में यहां बुद्धिजीवी मान मैं टेम्पल ऑफ गणतंत्र गणतंत्र मंदिर टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी से लोकर कथा को प्रभावी ढंग से उपस्थापन करने कथा लोक प्रतिनिधि मैंने हट्टगोल कले केवल इनसीडेंट कवर होने देखते गणमाध्यम आसो आज विरोधी दल हाउस को आर्जन करदे चलते कितु चलेकि जदि पॉइंट रखि पारि था प्रभावी ढंग से विरोधी दल किसी निर्दिष्ट पॉइंट रखि था विरोधी दल पाखे गोटे सुजोग था कि आडजमेंट मोशन डिस्कशन को अलाउ करते जहां पॉइंट अच्छी सरकार विरोध में जिते पॉइंट अच्छी कहार सुजोग से सरकार को एक प्रकार काठगड़ा चेड़ा करते कि आज हाउस को जितने आर्जन कर दिया जाए अशोभनीय परिस्थिति आदि अर्थात कौटि ना कौटि विरोधी बोधे यही रणनीति नहीं आसुचंती गृह केमिति चलाई न देवे ये प्रस्तुति रहुची विरोधी देखो आम का कथा बेसी दिन कथा नुहे का शासक दल में जो बीजेडी थिला और अपोजिशन जो मैंने कांग्रेस और बीजेपी से जो गृह अचल करते शासक दल बीजेडी से शासक दल थी एक घटना को निंदा करता आज ठीक तीन मास पर बीजेडी से ही भूमिका नहीं बेसी किसी अंतर नुहे तेणु समस्त यहां गोटे विधानसभा हूँ उभय शासक और विरोधी दल गोटे उत्तर दायित्व ताकू कि भाव में चल उभय दल सहमति से गृह चलवा दरकार ये निश्चित भाव में मद मृत्यु एक अभावनीय घटना आ विस्तृत गृह आलोचना हवा दरकार सरकार राज्य में गोटे बड़ डिमांड बर्तमान हो प्रोहिबिशन लागू कर राज्य को मदमुक्त मद मृत्यु विभीषिकार बचा जाऊ तेणु आप आलोचना न हो खाली गंड हट्टगोल हो कथा ठीक भाव में प्रतिफलित हो पारे मैंने लोकों जो डिमांड रही मुलतवी प्रस्ताव अणाऊँगी किंतु आलोचना वितर्क करर्क जहांफल की परिस्थिति सृष्टि होपण को कौन लगुच आकलन कौन कौन पूर्वानुमान कौन कर आगामी समय स्थिति साढ़े एगारटा पर भी जारी रही देखो आज मत तो लगुनि आज दिन सारा गृह चलना भाया कारण विरोधी दल हाथ गोटे 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 लाइन में पलि आ प्रसंग कर सारी अबकारी मंत्री का इस्तफा तेणु जो पॉइंट को आइंट को रिटर्न कला भाई लगू ना तेणु ये इश्यू को सरकार विरोध में गोटे भल प्रसंग भावुंत तेणु सरकार को अड़ुआ पकड़ हरड़ गणारे पकड़े जिते जाए
ସେମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାନ୍ତି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିବ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ସେ ବାବଦରେ ବାଚସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବିଧାନସଭା ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଉଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଠିକ ଭାବରେ ଗୃହ ଚାଲିବନି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୃହ ଚଳେଇ ଦବୁ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତରିକାକୁ ଆପଣେଇବେ, କିନ୍ତୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହାଉସ୍କୁ ଆର୍ଜନ କରିବା, ହାଉସ୍ ଚଳେଇ ନଦେବା, ଇଏ ଏକମାତ୍ର ତରିକା ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତର୍କ ହବା ତରିକା, ତର୍କ ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଧୋଇଯିବା, ଇଏ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣ, ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, କାଲି ସକାଳୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜେଡି ଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ହଉଛି ମିଳିତ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର, କାହାର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବେତନ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୃହ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲୁ, ଆଲୋଚନା ହଉ, ବିରୋଧୀ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢିବା, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୋଭନୀୟ ଏବଂ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର, ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ନଜର ରହିବା ଦରକାର। ଏ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ତାଲିମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସଚେତନ ନେତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି।